हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? तो हमारे कान्हा के इधर जा रहे हैं अपना श्रृंगार कराने, और एक कन्हैया घर में रहेंगे। कान्हा के इधर को भी मैंने कह दिया कि लाला आप अपने इन विग्रह से निकल जाइए और कन्हैया के विग्रह में आ जाइए, फिर हम आपका श्रृंगार कराने चलते हैं। तो मैं यहाँ पे टोकरी में विराजित कर लिया, मैंने ड्रेस पहना रखी है, माला भी पहना रखी है, क्योंकि प्रभु बहुत हमारे नटखट हैं, बहुत छलिया, उनका भरोसा नहीं वो निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं उनका श्रृंगार कराने, फिर जब श्रृंगार हो जाएगा उसके बाद आपको हम उनका सुंदर सा मुखड़ा दिखाएंगे। तो हम रास्ते में हैं और चल रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, भोले बाबा का श्रृंगार कराया गया है और ये कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के लिए कलश जो होता है ना, उसमें भोले बाबा को विराजित किया जाएगा और ये उनका श्रृंगार है, यही करेंगे श्रृंगार कान्हा गिरधर का। अब यहाँ पर कान्हा गिरधर का श्रृंगार हो रहा है और बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है, लेकिन वृंदावन जो श्रृंगार नहीं हो पाया क्योंकि ये लोग कर लेते हैं, लेकिन इस समय कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई थी तो उनके पास समय नहीं था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दिया जैसे उनसे बना है। और आपको बताऊं कि पैसे कितने लिए, पैसे लिए हैं 100-100 रुपये, यानी कि 100 कान्हा के 100 गिरधर के, ज़्यादा पैसे यहाँ नहीं लगे हैं। और बोल रहे थे जब समय से आइएगा फिर हम अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। तो हम घर आ चुके हैं और हम कन्हैया से बातें कर रहे थे, कन्हैया कैसे लगा आपको? फिर हमने मार्केट रास्ते में बहुत की थी, मार्केट की वीडियो हम बाद में आपको दिखाएंगे, वो एरिया भी दिखाएंगे जहाँ से हम कन्हैया को लाए थे, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं दीदी वो एरिया दिखा दीजिए, वो दुकान दिखा दीजिए जहाँ से कन्हैया आए थे। तो उसी दुकान के आसपास हम गए थे श्रृंगार कराने, तो आपको पूरी डिटेल से अलग से वीडियो हम लाएंगे उस जगह की। ये अब आपको हम कान्हा गिरधर का नया लुक दिखा देते हैं। ये विराजित है हमारे कान्हा गिरधर। आप बताइएगा कौन से कान्हा कौन से गिरधर हैं, क्योंकि इनको पहचानना मुश्किल है। और बताइएगा इनका श्रृंगार कैसे लगा। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे श्रृंगार करा कर आएंगे, क्योंकि इस समय उनके पास समय नहीं था, बड़े मुश्किल से किया। और ये कैंडी है, ये कैंडी का पूरा पैकेट हम अपने तीनों लाला के लिए लेके आए हैं। तो एक ज़रूरी सूचना ये है कि सावन लगने वाला है, सावन कुल उपलक्ष में हमने सोचा है कि हम किसी एक को झूला दें उनके लाला के लिए जिनके पास नहीं है। तो हमने पोस्ट डाली थी, बहुत से कमेंट आए हैं कि दीदी हम आपके चैनल में कंटिन्यू आते हैं, तो हमें पता है कि कौन कंटिन्यू आता है कौन कंटिन्यू नहीं आता है। एक हफ्ते से मेरी वीडियोज़ बिल्कुल भी डाउन हो गई हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं दिल से दीजिए, सिर्फ लालच में आके मत दीजिए ना, मैं चाहती हूँ कोई लालच में आके मेरे चैनल पर आए, दिल से सपोर्ट करिए। और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जानती हूँ कौन मेरे चैनल में आता है कौन नहीं आता है। तो प्लीज़ इस बार की सेवा मैं किसको दे रही हूँ ये नाम भी मैं आपको बता दूँगी, और नेक्स्ट बार भी सेवा जाएगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।